सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम खबर ते नजर हरजिंदर वालिया शो विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, पहली खबर आपां फेर लवांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि सारे देश दे विच इसका जिहड़ा है विवाद चल रहा है, रौला पै रहा है, ते पंजाब दे विच भी लगातार चर्चा हो रही है। देखो, जिवे कल तुसी मैनू पुछिया है, मैं वैसे दसन की पहला भी कोशिश की थी, होर प्रोग्राम च की थी, कि जिहड़ा सिविल कोड है इसनू समझ के जे समझ लईए गल करिए कि दो किस्म दे कानून हुंदे ने। एक हुंदा क्रिमिनल लॉ, जिहड़ा अपराधा नाल संबंधित हुंदा है, उह सारे लई बराबर है। मान लो किसी ने कतल करता, 302 लग गई, कतल करने वाला मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, हिंदू होवे, उन्हें कानून मुताबक एको सजा, जो कानून कहता है, जिहड़े सबूत होंगे सजा मिलेगी। लेकिन जिहड़ा सिविल लॉ है उहदे विच इस तरह नहीं है। सिविल लॉ च की हुंदा है कि तुहाडे उहदा की है, थोड़ा पर्सनल जिहड़े लॉ कह दिंदे ने इसनूं, तुहाडा विआह, तलाक, बच्चे, जायदाद, थोड़ी विरासत, यह सारे थोड़े जिहड़े निजी मामले ने वह इहदे नाल संबंधित हुंदे ने। मान लो कि किसी मुसलमान ने तलाक देता, इस तरह का केस ऑलरेडी आया हुआ कोर्ट के, तलाक देता, तो जिहड़ा कानून जिहड़ा जे हिंदू एक्ट कहता है कि जिहड़ी कंपनसेशन है, जिहड़ी गुजारा पत्ता है, वह देना पड़ेगा औरत ने। लेकिन इस्लाम दे विच जिहड़ा शरीयत दा कानून है वह ये नहीं कहता कि जिहड़ी औरत नूं तलाक दित्ता है उहनूं कोई गुजारा पत्ता मिले। होर आपां एग्जाम्पल लै लैंदे हां इस नूं समझण लई। 18 साल की कुड़ी जे घट है, 18 साल तो घट है, तो हिंदू एक्ट के मुताबिक जिहड़ा 1955 च बनिया सी उहदा विआह नहीं हो सकता, गैर कानूनी है 14, 15, 16, 17 साल की कुड़ी का विआह। लेकिन जे कोई मुसलमान 15 साल, 16 साल की कुड़ी नाल विआह करवाउंदा है वह गैर कानूनी नहीं, क्योंकि जिहड़ा इस्लाम जां शरीयत है जां मुसलमानां दा कानून है बहुत सधारण लफ्ज़ां च समझा रहे हैं वह अगे दिंदा। हुण इह इको जिहा कानून ने, इस नूं लै के मोदी साहब कहिंदे ने इको घर च दो कानून नहीं चलदे। इह कल्ली मैं मुसलमानां दी एग्जाम्पल दी, बहुत सारे होर भी ने। राजस्थान च कई जिहड़े ट्राइब्स ऐसे ने, कबीले ऐसे ने जिथे तलाक की प्रोविजन नहीं, ये आप केस एक हाईकोर्ट देखे, तो इस लैके चर्चा चल रही। हुण इहदे च कोई हक च है, कोई विरोध च है? कांग्रेस जिहड़ी है इहदा विरोध कर रही है कि तुसी क्यों विरोध कर रही है? संविधान के खिलाफ है। तुसी कोई संविधान की कहिंदा है? संविधान यह कहिंदा है साडा देश का आर्टिकल 25 तो 28 कह लो, उहदे मुताबिक यह है कि साढ़े को राइट टू रिलीजन है, धार्मिक आजादी है, असी साडा जो भी दिल करे असी वो धर्म के अनुसार जी सकते हैं। हुण जे धर्म के अनुसार जीना है तो फिर वो धर्म तो यह कहता है, जे इस्लामिक धर्म की गल करिए कि असी अपने तरीके नाल साडे अपने कानून ने, जो पैगंबर साहब पैगंबर मुहम्मद साहब दीआं सिख्यावां दे मुताबक ने, जां पवित्र कुरान जो उन्होंने उपदेश दिंदी है वह कहते असं उहदे मुताबक चलना, तो फिर धार्मिक आजादी कितने रह जूगी जे इस तरह इको जी हो। हुण जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है वह यह कहती है कि उसे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसीपल 44 है, वह कहते सारे इको जहा कानून बनाना चाहिए। हुण ये दोनों का टकराव है, लेकिन जे आप यह भी मान लीए टकराव च जो बुनियादी अधिकार होंगे ने वह उन्हों का पलड़ा भारी होंगे, इस करके सारे देश के ये मन्या जा रहा है विरोधी पार्टियां वालों के मोदी साहब यह जहा कुछ इलैक्शन तो पहला करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का तरीका है ते वो जिहड़ा अपना आर एस एस जां उन्हां दा एजेंडा उन्हों लागू करने लई वो चलती है। पहला भी देखे आपां राम मंदिर सी बना लिया, आर्टिकल 370 विशेष अधिकार दिंदा सी जम्मू कश्मीर नूं हटाउणा सी हटाता, मतलब बिल्कुल उसे लड़ी च देखो तुसीं हुण तक 3 तलाक हटाता। ते दूजे पासे इह है हुण इत्थे भी है 3 तलाक औरतों लई तां 3 तलाक मिलना नहीं, लेकिन जिहड़े मेल मैंबर ने उन्हां दा की है, उन्हां बारे भी कुछ बोलिया इस 3 तलाक तो बाद, ये भी समझने की लोड़ है। बहुत कुछ है लेकिन इसे करके ये चल रहा है। हुण आपां पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी लगातार ही कह रही थी असीं लोगों की सहमति नाल गल करांगे, ते आम आदमी पार्टी की सहमति का यह है कि उन्होंने जनरल सकत्तर ने कल बयान देता कि जी जिहड़ा यह यू सी सी है जिहड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड है असीं सिधांतक तौर पर हमायत करते, मतलब असीं भारतीय जनता पार्टी की हमायत है जो उहदी हमायत है। तो दूजे पासे जे यही गल मान लीए जिहड़ी उन्होंने कही है पाठक साहब ने जां आम आदमी पार्टी ने, फिर विरोधियों नूं मौका देता की मौका देता विरोधियों नूं कि असीं बाजवा साहब कहते असीं तां पहले ही कहते सी कि यह भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी है दूजी टीम है बी टीम है, जो कुछ पहला कहते आर्टिकल 370 च भी उन्होंने नाल खड़े सी ते हुण भी खड़े ने। यह तो एक खेड है कि कांग्रेस नूं किवें दूर करना है, अंदरों जो मिले हुए ने इको थां उत्ते चलते ने, इस किस्म की गल तां मौका तां देता कांग्रेस इतने इसे गल से अटैक कर रही है। एम के स्टालन को मैं देखा, शरद पवार को मैं देखा, स्टालन साहब कहते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते तो सिर्फ तो सिर्फ इलेक्शन जीतने का स्टंट है। शरद पवार ने सिखा का भी जिक्र किया है, शरद पवार कल कहते कि यह सिखा की जिहड़ी गल है वह भी देखने वाली है, पर हुण दूजे पासे एक होर भी गल है जे शरद पवार नूं ये कह रहे हैं कि एक स्टंट है इस कल्या जिहड़ा मुसलमान नहीं सिख भी अफेक्ट होंगे, तो उहदा जवाब देखो किहड़ा बंदा दे रहा है। उहदा जवाब दे रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा, क्योंकि अजकल भारतीय जनता पार्टी च कहते सिख तो नाल ने, दूजे पासे जे सिख नाल ने इस दे ते पहला तो अकाली दल ने विरोध किया, ते कल पटियाला बहादुरगढ़ साहब जो गुरु तेग बहादुर साहब ने संबंधित इतिहासक गुरु घर है उत्थे हरजिंदर सिंह धामी आए से, वो कहते जी ये तो घट गिनती है तो सीधा अटैक है, ये हो नहीं सकता। चलो बाकी गल छो, देखो कमाल है इस कानून इन्ना गुंझलदार है, एक पासे तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है असं इन्हे नाल है, दूजे पासे उन्होंने बुलारे मालविंदर कंग वो कहते असी आनंद मैरिज एक्ट जोड़ा है सिखा का मैरिज एक्ट है जोड़ा वो दिल्ली च लागू करता पंजाब च लागू कर रहे हैं, भाई फिर तो फिर तुम इन्होंने नाल किमें हो, फिर यूनिवर्स जोड़ा फॉर्म कोड किमें बन गया, कॉमन सिविल कोड किमें बन गया। वैसे तुम्हें तो दस दिए कि आ ही बड़ा रेड़का मुसलमानों तो बहुत बड़े रेड़के ने तलाक को लैके ब्याह को लैके, लेकिन सिख भी इस मामले के जोड़ा सवाल तुम पूछा सी जोड़े हम मेरे दर्शक सुन रहे होंगे उन्होंने मैं जवाब दे रहा कि आनंद मैरिज एक्ट इस करके जरूरी सी। मान लो बहुत सारे लोग हम बाहर जाते हैं, तुम बाहर जाने उत्थे एक कौलम है रिलीजन का, तुम लिखता मैं सिख हाँ, तो जो मैरिज का सर्टिफिकेट तुम पेश कर दे एक सिख किवें मैरिज करा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, वो उन्होंने की पता भी प्रॉब्लम की है, तो इस करके ये प्रॉब्लम आई हुई आनंद मैरिज एक्ट की लोड़ है। तो जे बन जाए तो फिर की होगा, फिर तुम अपना धर्म नहीं लिखोगे, फिर तो जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ सिख एक बखरी कौम है। सो ये कुछ चल रहा है, तो इस तरह के फिर जी पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स तो चलनी होंगी है। मैं देख रहा सी कली यही नहीं, शिवसेना जिहड़ी किसे टाइम इन्हां दे नाल सी ते ओह हुण कह रहे ने कि जी ये शरीयत नूं तुसीं सिर्फ ते सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी ये कह दी है
शरीयत दा विरोध ही जिहड़ी मुसलमाना दा विरोध ही ये कॉमन सिविल कोड है उन्होंने ये सवाल खड़ा करते कहते कानून ते न्याय की नजर सारे बराबर होंगे ने मैं उन्होंने स्टेटमेंट देख रहे हैं कहते भाई इन्हों की शरीयत दिया जा पवित्र कुरान दिया जे मुसलमान मनते ने तो तुम क्यों विरोध करोगे यानी शिव सेना एम के स्टालिन शरद पवार बड़े बड़े जेडे नाम ने बड़िया पार्टियां सारे यदा कर रहे ने विरोध ते लेकिन सिख बंडे ने मनजिंदर सिंह सिरसा कहता सी इहदे नाल आ और जाबर बोलते नहीं मान साहब नहीं बोले तो बाजवा साहब कहते मान साहब की स्थिति स्पष्ट करो तुसी है बस खड़े कहते हो थोड़ी पोजिशन की है ये दसनी चाहिए है तो तुसी लोगों की भावना हूं तो कहते लोगों की भावना समझते हैं तो लोगों की भावना समझो खैर ये जी है ये लगातार इस तरह की गल चलूगी और मैं समझना ये इशू इन्ना इंपॉर्टेंट है ये डिबेट जारी होनी चाहिए है रहनी चाहिए है और स्पष्टीकरण सारिया पार्टियां को स्टैंड लेना चाहिए है और लेकिन एक गल स्पष्ट जी नजर आती है कि अखीरला साल है कुछ भी नहीं रह गया इलेक्शन च उदो भारतीय जनता पार्टी उदो मोदी साहब को क्यों याद आया पहले चार साल क्यों नहीं आया ताकि इतने डिबेट होती रहे ते बेरोजगारी की कोई गल ना करे भुखमरी की टमाटर जेड़े 100 रुपए किलो हो गए उदी कोई गल ना करे जी महंगाई की कोई गल ना हो ते फिर लोग लगे रहन ते धर्म के नाम से आप जी मजोरिटी है उन्होंने ना लेके जित लीए इस तरह की स्ट्रैटी होंगी है खैर हम आप अगे बढ़िए वो पंजाब का संबंध वो भी बड़ी चर्चा चल रही है वो है कि मैं तुम दसिया भी धामी साहब कल आए हुए सी पटियाला फिर उन्होंने गल करनी सी पत्रकार ने यूट्यूब चैनल का कल मेरी भी गल हुई जनरल सकत्र जेडे गुरचरण सिंह गरेवाल ने उन्होंने स्पष्ट ही कहता कि असी 6 महीने तो तैयारी कर रहे हैं एना तो असं कुछ नहीं कर रहे असी अपना चैनल शुरू कर देंगे 23 तरीक जो ये खत्म होंगे पीटीसी का साडा इकरारनामा असी ये चैनल शुरू कर देना है ये हूँ प्रॉब्लम यह है कि धामी साहब ने तो चलो कहता धामी साहब ने तो कल ये भी कहा कहते मैं गवर्नर साहब को फिर बेनती कर दिया पहला मैं मिलकर की है हूँ मीडिया राही कर दिया कि ये ना करो ये जो प्रवानगी ना दे इस बिल को इस किस्म की जी लेकिन दूजे पासे जड़ा ये भी बड़ा भी सिर्फ यूट्यूब चैनल जिमें कह रहे ने गुरचरण गरेवाल वो तो कहते भी असी सारिया गतिविधियां सारा कुछ दिखाया करांगे कितने भी उन्होंने हाले ये गल स्पष्ट नहीं की कि गुरबाणी का जो लिंक है यह फ्री ऑफ कॉस्ट टीवी दया करांगे कि टीवी अपने चैनल चला लैन हूँ यूट्यूब बजुर्ग बंदे बहुत गुरबाणी देखते हैं रादर ज्यादा ही बजुर्ग देखते हैं गुरबाणी वो यूट्यूब लैके जो घर जो टीवी चलता है तो उत्थे लोग टीवी से ला के गुरबाणी सुनते हैं तो कले यूट्यूब से चलाना यह भी हाले स्पष्ट नहीं लोगों को खदशा है ये बारे भी कई फोन मैं आए थे खैर एक खबर तो होर डिगा आपको इस करके मारनी पैंदी है कि जेडे बंदे हुण तक चलाउंदे रहे जेडे मैं समझदा वह बड़ी मैनू वैसे एक 3 पेज की चिट्ठी रविंद्र नारायण की देखी जेडे एम डी ने PTC ने जिस तरीके उन्होंने जेडे जथेदार अकाल तख्त साहब न संबोधन किया अपने आप को सिख बना के संबोधन किया कि साड़ी कौम तुसी कौम दे आगू साड़ी कौम हालांकि ना पंजाबी ने ना सिख ने चलो चंगी गल है हो सकता है आने वाले टाइम च गुरसिख बन जाण ये तो बहुत वधिया गल हो क्योंकि सेवा वो कहते सानू सेवा दिती हुई है कई सालों तो दसो जी सालों तो ना दहाकिया च गल करो तो वो उन्होंने चिट्ठी जिहड़ी है बड़ी अजीब जी लगी मैनू तो मैं हसदे हुए कहा सी किसे चैनल नू कि जिहड़े लोग ना शीशे दे घरां च रहिंदे ने वो दूजिआं ते पत्थर नहीं मारदे चिट्ठी च मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता 3 पेज ने मेरे को चिट्ठी पई है कहते साड़ी कौम एक है
सारी कौम की अगुवाई कर रहे हो, ना के सिर्फ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की। यानी वह कहते साड़ी कौम, पहले तो मैं खुशी है कि वह अपने आप को सिखां शामिल करते हैं। मैं पहले भी कहा है, आस करते बड़ी जल्दी वह गुरु सिख बन गए, भावे कि पता नहीं सौ तो नहीं नौ तो ही लगता है। तो चलो खैर, पैसा बहुत कुछ करा देता बंदे को, वैसे वह कहते असं सेवा कर रहे हैं फ्री बिना लालच तो, यह कह रहे हैं। पर एक गल जी कह रहे हो, तुम कौम के कौम की अगवाई कर रहे हो, तुम साढ़े जथेदार हो, तुम अगवाई करो। और रैंडर साहब इतों तो रौला शुरू हो, जे तुम अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को मानते हो, उन्हें तो आदेश दिता सी कि भी ये एक चैनल की जी इजारेदारी खत्म करो, आपका चैनल चलाओ। उस वे तुम विरोध कर रहे थे, तो हूँ तुम कह रहे हो कि ये है असल इस तरह के स्टैंडर्ड। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं समझदा कि चैनल जेडे ने ना वो उन्हें जो तुम श्रोमणी कमेटी को मनते हो तो उन्होंने कर दो, तो एक दूजे की जी गुरबाणी की कहते सोशल मीडिया च गुरबाणी की दुरवरतों होंगी है। तो भाई थोनों हालांकि तुम आप तो चिट्ठी लिखी नहीं, चिट्ठी तो किसी गुरसिख तो लिखाया है, थोड़ा तो सिखी के मुहावरे का नहीं पता। तो फिर भी मैं समझदा कि इस तरह की गल नहीं, गुरबाणी 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 की दुरवरतों की होगी, मतलब किस तरह जो थोड़ू कहीए थोड़े चैनल तो बहुत कुछ चलता है, गुरबाणी तो बाद एडा तो उ चलदिया ने, हर किसम की एड चलती है। खैर आप ना पहीए, बस ये चंगी गल है कि जोड़ा यूट्यूब चैनल है वह जो श्रोमणी कमेटी चला रही है। हालांकि गुरचरण सिंह गरेवाल होर मेरी काफ़ी गलबात लंबी गलबात हुई, पर क्योंकि वह भी है तो वधिया सियासी लीडर ने, सियाने ने और सेंसीबल ने, मैं ये गल मानदा। उन्होंने इन्ना गल जरूर बस इशारा जहा किया, दसिया नहीं, पर मैं चाहना जे वह जो खादसे ने लोगों के उदा स्पष्टीकरण जरूर दे दें। यूट्यूब चैनल से जे तो यूट्यूब से गुरबाणी चलनी है, फिर उन्होंने लोगों को बड़ा मुश्किल हो जू जे बड़ी गिनती च गुरबाणी को सरवण करते हैं, खास तौर पर साढ़े बजुर्ग, उन्होंने जरूर सोचो। डरे हुए ने कि 23 जुलाई तो सुन भी सकेंगे कि नहीं। हाँ टीवी से आना सबू कर दो फ्री, ये लगातार गल चल। हूँ एक होर गल भी कर लीए, एक नवी संस्था कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इस इशू में लेके, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कमेटी। उन्होंने एक पहली संस्था है, हूँ तक जिन्हें भी आए समेत बीबी जगीर कौर जिन्या भी बागी सुर श्रोमणी कमेटी च ने सारिया एक गल च इकट्ठिया सी कि जी जे भगवंत मान सिंह भी तो कहते लिखो, भगवंत मान ने यह जरा धर्म च दखल दिता ये विधानसभा च बिल पास करके, ये तो सारे कट्ठे से। अदरवाइज वह श्रोमणी कमेटी या खास तौर पर बादल परिवार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एक हक च भी बोलिया मान साहब वो है यह श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार कमेटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने पहले तो बड़ा इतराज बड़े सवाल चुके श्रोमणी कमेटी के अजलास से, कहते उदों कि गई सी एक कमेटी, उदों क्यों नहीं अजलास बुलाया जो बरगाड़ी बेअदबी बहबल कला जरा सिरसे वाला साध उन्होंने अकाल तख्त साहब तो माफी दवाई सी, उदों क्यों नहीं बोले तुसी? ये सवाल तो तिखे खड़े किए ने उन्होंने, कहते हूँ तुम एक परिवार के चैनल का एकाधिकार बचाने लई ये मोर्चा लाने की गल कर रहे हो। पहला भी गल आई सी मोर्चा तो फिर जे लगता है, हालांकि मैनू नहीं लगता कि मोर्चा लगेगा जो उस समय हालात बन मान लेने जो लगता है तो लोग ये कहते सुने गए तो फिर दसवंध पैसे च लगेगा बहुत कुछ है। सो कहते तुम आ जरा बाब वेला खड़ा कर रहे हो धार्मिक मामले दखल का बिल्कुल गलत खड़ा कर रहे हो, तो तुम मतलब ये जरा चंडीगढ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कहते तुम रौला पा रहे हो जी दाढ़ी रंग रहे ने जी ये कर रहे हैं दाढ़ी खोल लेंगे ने भी ये बेइज्जती होगी कौम की अपमान किया है। उन्होंने तो बड़े तिखे लफ्ज वो भी तो मीडिया च गया, वो कहते तो बोरी पी है सुखबीर सिंह कहते
जदों सिखां दीआं दाढ़ियां केस रोलियां जांदियां ने उहनां ने फोटो भी दिखाईआं। जानी इस किस्म की गल ये है जिहड़ी विवाद जदों कितों भी शुरू हुंदा है किस पासे नूं जांदा है। खैर आपां होर खबरां रह जाणगीआं, एक खबर अगलियां खबरां पढ़ने जाइए। एक खबर जिहड़ी है, बल्कि दो खबरां ने, है एक बंदे बारे, वह है महाराजा रणजीत सिंह जी की 184वीं बरसी सी। मैनू आस सी कि भगवंत सिंह मान जिहड़े जिन्हां नूं उन्हां दा एक मंत्री तां कही जांदा है महाराजा रणजीत सिंह वांग राज करदे ने, जिहदे बारे लोकां दे मनां च जिहड़ा अद्धी सदी राज कीता जे है, राज दा लोक हुण तक धारणा दिंदे ने, उह बंदे दे मामले दे विच मान साहब ने कल टाइम नहीं कढ़िया। और उत्थे पहुंचे बड़ूके नानके पिंड महाराज रणजीत सिंह दे, है सूबा पत्री फंक्शन सी पर वो कोई प्रभावशाली फंक्शन उन्ना नहीं जिन्ना होना चाहिए। वैसे मैं समझदा ये सरकारां नूं ये दिन वड्डे पद्धर ते मनाउणा चाहिए। उत्थे अमन अरोड़ा पहुंचे सी ये फंक्शन जिहड़ा बड़ूके होया सी सूर। इत्थे काफी कुछ है इतिहासकारां नूं, इत्थे तां जिहड़ा कुछ बनिया होया उत्थे भी कोई नहीं जांदा कदे अमृतसर साहब जो पैनोरोमा बनिया होया। जिहड़ी असी ऐन गहली ना करिए, घट्टो घट्ट जिहड़े राज ते सानूं माण है कि जिहड़ा है महाराजा रणजीत सिंह जिहदे बारे मैनूं कोई दस रिहा सी जिथे इहनां दी रोपड़ दे लागे सतबरी दे कंढे मुलाकात हुई सी अंग्रेजां नाल, अंग्रेज वायसराय नाल, उस दा भी उत्थे कोई ओह नहीं, किसे फैक्ट्री च इक झंडा जिहा लग्गिया होया। इस तरह नहीं होना चाहीदा। काफी असी इस मामले च जिहड़ा है बेपरवाह है जां असी नहीं संवेदनशील। हाँ, एक खबर जरूर बनती है कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाई गई लाहौर दे विच। लाहौर देरा साहब है जिहड़ा बिल्कुल नाल है जिहदे महाराजा रणजीत सिंह की समाध है, गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा गुरु घर है देरा साहब, नाल ही फिर किला है जिहदे विच मान होना चाहीदा सिखां नूं, उत्थे भी मनाई गई। वह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते वैकोई ट्रस्ट जिहड़ा दोनों ने रल के मनाई। उहदे च इक गल कहण वाली जरूर लगती है मैनूं कि कहिंदे जी महाराजा रणजीत सिंह दे नाम ते लाहौर दी मेन रोड है, मेन बुक सड़क है, उहदा असीं नाम रखांगे। चंगी गल है, याद करना चाहिए। मैं अपने भी जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज दे विच भी जिहड़े काम हुंदे ने उत्थे भी इस किस्म दे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होने चाहिए ने। खैर, वड्डी खबर बनती है मान साहब ने जिहड़ी गल बनाई है भगवंत मान ने, जे सचमुच ही हो जाता है तां तां सचमुच कमाल होगी। वह कहिंदे 60,000 करोड़ की ठगी सी भल ग्रुप की, जिहड़ा उन्हां दा निर्मल सिंह भंगू है वह तां हुण जेल च बैठा, जमानत उहदी हुई नहीं। अजी दे पिछे जे तुसीं सुणिया सी कि 3.5 करोड़ रुपये तां देता एक साबका MLA नूं, कहिंदे जी इह जमानत करा दूंगा। चलो पैसा तो लोगों ने दे भी दिता हो। खैर, अज का मसला यह है कि मान साहब कहते जिन्हों लोगों का पैसा लगे है उन्होंने की कसूर है। वो कहते असी हुण काम शुरू करता, की करता कि जिहड़ियां जायदादां आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने हुण बेचण का काम प्रक्रिया यह होगी, उन्होंने बेच के उन्होंने असी रेड लाइन लगा दी कि कोई होर ना ये कोई हेराफेरी कर सके, एंट्रियां करती है रेड एंट्रियां, इनू असी कदम बेचांगे ते बेचण तो बाद पैसा जिन्हां दा लग्या उन्हां नूं मुआवजा कह लो, पैसा उहदा वापस करांगे। तेरी गल ये है कि जो ट्वीट कीता है मान साहब ने, उहदा ट्वीट च जिहड़ा केजरीवाल साहब दा ट्वीट आया वह भी वधिया लग्या। कहिंदे जे मान साहब तुसीं इह च कामयाब हो जाने हो लोग तुहानूं बहुत असीसां देणगे। गल बिल्कुल ठीक है, सही गल है मान साहब, ये काम जिहड़ा है हो जाए तो बहुत वधिया है। बड़ी वड्डी गिणती च लोगों ने इत्थे पैसा लाया हुआ है। बाकी तो वह गल्लां दूजी तीजी बार दसती उन्होंने, कहते जी वो जिहड़ा लीज ते दित्ती सी चन्नी साहब ने गोवा ली जमीन वह तो असीं रद्द कर रहे हैं, वह तुसीं पहले ही दस चुके हो, चंगी गल है। लेकिन जिहड़ा तुसीं आ कहा DGP नूं जां चीफ सैकटरी नूं कि जी ये काम करो, ये बहुत जरूरी सी, चंगी गल, अगे करिए।
अगली खबर भी मान साहब ना संबंधित है, वो किस तरह आखिर मान भगवंत मान बेसिकली तो कलाकार है, फिल्मी कलाकार है, बढ़िया फिल्म, एक फिल्म च पहला भी उसे लीडर बनता है, ते इतने तो हूं तो सही लफ्जा च वो गल पूरी होगी, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ते खिच का सिद्धांत कहते हैं जी, जिहड़ा तुसीं सोचदे हो वो तुसीं पूरा कर लैंदे हो, तो जा जिवें बाबा नानक कहिंदा जैसी दृष्ट करे तैसा हो जाता हूं, इतने होया देखिया। खैर ये फिर कलाकार कल अपने साथी पुराने कलाकारां दे जिहड़ा है इकट्ठ सी फिल्म दा दिखाउण दा मौका सी, कैरी ऑन जट्टा तीन बनी है ते गिप्पी गरेवाल दी ओह फिल्म है, ते उत्थे फिर सारे लोग इकट्ठे ये अपनी पत्नी समेत फिल्म देखण गए, ते मतलब सब तो ज्यादा जे कोई खुशी मान साहब नूं हुंदी होएगी, मैं मैनूं इस तरह दा एहसास है कि वह इस तरह दीआं फिल्मां देख के अपने साथियों च एक पासे बिन्नू ढिल्लों खड़ा जिहदे नाल उह स्कूल दी इह करदे हुंदे सी कॉमेडी, दूजे पासे गिप्पी गरेवाल करमजीत अनमोल ये सारे कर उत्थे जसविंदर भल्ला गुरप्रीत घुग्गी घुग्गी नूं तां इन्होंने अड़ाता सी, प्रधानगी तो ही आपके कोल आई है इन्होंने, तो ये तो सियासत भी बी एन शर्मा है सारे की फिल्म है, तो जो ये खड़े सोनम बाजवा गिप्पी गरेवाल रवनीत गरेवाल बिल्ली ढिल्लों सारे खड़े ने, इन्होंने जरा आराम किया फिल्म तक, मैं फिल्म बारे तो हले देखी दी भी चंगी है माड़ी है, लेकिन पता लगे कहते बड़ा तगड़ा हंगारा पहले दिन मिले, आप देख के थोड़े ना गल करांगे, लेकिन मान साहब ने जी गल की कहते फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी कर ली, बहुत वधिया गल होगी, फिल्म सिटी कहते अस बना रहे हैं पंजाब के कलाकारों को रुजगार, कला कलाकारों को बहुत लोगों को रुजगार मिलेगा, और जिस तरह का वो दस रहे हैं कहते यह जहाँ वधिया जिहड़ा सिटी बनानी है जे कोई विदेशी सैट भी लाना उहदे च लग जा करूगा, मतलब यानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा हंगारा मिलेगा जे सचमुच जिहड़े सैट की गल करते हैं, अपने थोड़ा तो पता है बहुत सारे जो बने हुए पहले गारा स्टूडियो बनिया पर चलिया नहीं, वैसे साडे देश दे विच जां दुनिया च भी नाम दा रामोजी फिल्म सिटी है हैदराबाद की, असी भी जो आपके बच्चों लैके जाते उत्थे दिखा के लिया होंगे स्टूडेंट्स को, सो सब तो बड़ी फिल्म सिटी हुआ 2001 दे विच, तो चलो अभी नहीं सी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी हम काफी बड़ी बनती जा रही है, फिल्म सिटी जो बनाते हैं तो बहुत खुशी की गल है। आप अगलिया खबर वाल बढ़िए, अगलिया खबर जीडिया कुछ लैनिया ने आप अगले हिस्से भी जिक्र कर लिए, देखो कटारू चक का मसला हाले खत्म नहीं होया, मंत्री है वह लेकिन ऐसी कमीशन ने हुण कहदे जी क्यों नहीं तुसी सही उत्ते एक्शन लिया, उन्होंने पंजाब के मुख सकत्तर ते डीजीपी नूं तलब कीता, ये अगले हिस्से च खबर लवांगे। ते जय शंकर प्रसाद साडे विदेश मंत्री बड़ा तिखा बोले कल, कहिंदे कनेडा च ये जिहड़ा जस्टिन ट्रूडो की सरकार है जां उत्थों दे जिहड़े लीडर ने ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कौन नहीं करता जी, जय शंकर प्रसाद जी किहड़ा बंदा नहीं करता सियासी वोट बैंक की, तुसीं नहीं करते हुणी गल आपां करके ते हटे हैं सिविल कोड की राम मंदिर अयोध्या की, वो भी करते होंगे, ये गल क्यों कही, वह कहते जे खालिस्तानिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ये कहते असी उन्होंने मतलब एक किस्म की चेतावनी दी, असी मूंह तो उन्हें जवाब देवे जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं, ये साढ़े विदेश मंत्री ने कहा है, होर गल कही अगले हिस्से च लैने हैं, होर भी एक नैशनल खबर लवेंगे, राहुल गांधी कल मणिपुर च गए रोक लिया, कहते नहीं जा सकते, काफी चिर रोक के रखा कई घंटे, फिर मणिपुर सरकार का हैलीकाप्टर आया नाल मणिपुर के अफसर बैठे, तो फिर उत्थे राहत कैंप जिथे जाना चाहते सी उत्थे जिहड़ा है गए हैं, तो देखते हैं, वैसे कहते चुरा चांदपुर है इतने उत्थे जो जाते ने अमित शाह वो जा सकते सानू क्यों नहीं जान दिता, करते अगले हिस्से गल, वैसे एक होर भी गल करनी है
मणिपुर हो गए, पंजाब हो गए, होर हिस्से हो, जो इंटरनेट बंद होंगे बड़ा नुकसान होंगे। असी ये नहीं देखते, असी तो फेसबुक नहीं चली गई वही देखते हैं, जिहड़ा उत्थे ई कमर्स रुक जाता है, बेरोजगार हो जाते हैं लोग। पिछले साल पंजाब जो अमृतपाल का केस होया सी, ते हुण मणिपुर का, जिहड़ा नैट लॉस की गल की है 1.9 करोड़ डॉलर, छोटा नहीं, अरब रुपए का नुकसान है। अगले हिस्से च करदे आ गल, ते भीमा भी दे जिहड़े मुखी दे चंद्रशेखर आजाद बच गए, गोली लगी सी ढिड च देवबंद दे विच, ते हुण जो ठीक होणगे, छुट्टी भी मिल गई अस्पताल तों, ते कहिंदे जी आदित्यनाथ जो भी इस्तीफा देन, अमन कानून की स्थिति जिहड़ी उत्थे बड़ी खराब है। ते एक खबर तुहानू होर सुनाउणी है, वो इस करके कि सब दे बच्चे ने तुहाडे, और जो बच्चे नूडल बहुत खुश होके खाते हैं, सोनीपत की खबर है कि बच्चों ने नूडल खाधे, उदू बाद खवाते परौठे, तीन बच्चे दो भैन भरा की मौत हो गई, एक हस्पताल च पिया। यह खबर अगले हिस्से च लवेंगे। एक और बड़ी खबर लेनी है, वो ये लेनी है कि तमिलनाडु के कले पंजाब च गवर्नर ते ये नहीं जिहड़ा है उलझे हुए मुख्यमंत्री, तमिलनाडु च तां गवर्नर ने स्टैप अगे चले गए, जिहड़े कि पंजाब के गवर्नर नहीं गए, हुण जा सकदे ने। पंजाब के गवर्नर ने कई बार कहा भी कटाउन चक नूं कढ दो, नहीं कढ़िया। ते इही गल दूजे पासे तमिलनाडु के राजपाल ने उन्हां दा बिजली मंत्री उत्थों दा सिंथल उहनूं कढता, बरखास्त करता, कहिंदे जी इह बंदा जिहड़ा है ना, क्योंकि इन्हें नौकरी बदले पैसे ले सी, रिश्वत ले सी, ये जो बाहर रहा, ये मंत्री रहा, तो फिर यह प्रभावित करूंगा जांच में। हुण एम के स्टालन ने अगे वो कहते फिर असी कहदे लईए जे राजपाल ने मंत्री कढ़ ले, ये प्रेरोगेट बता, ये अधिकार तो कल मुख्यमंत्री का होंगे। गल तो ठीक है, एम के स्टालन ये तो मतलब भगवंत मान कटारू चक न रख ना रख ये उन्होंने है, ते लेकिन उत्थे हो गया। यानी हुण जिहड़ी गल कहिंदे सी ना, भारतीय जनता पार्टी राजपालां राही राज करना शुरू कर रही है, इहदी एग्जाम्पल है तमिलनाडु, इहदी भी गल करांगे। आ राजीत जिहड़ा भज्जिया होया उहनूं AIG उस नूं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दित्ती राहत। ते एक शरद पवार की आपां गल कीती सी, होर भी करांगे। शिमले का मौसम हो गया खराब, सारे कितने मौसम खराब है देश च, हुण हड़ आए हुए थां थां ते, बद्रीनाथ की यात्रा जो लोग फस गए, उत्थे लैंडस्लाइडिंग होगी, तो हेमकुंट साहब वाले फसे हुए हैं। तो ये फिर कहते जी आप शिमले नहीं कट्ठे होंगे, जेडे विरोधी धिर ने वह 13 ते 14 जुलाई में कट्ठिया होगियां बंगलोर के, ये शरद पवार ने दसिया। तो आप हमने राजी की गल की है, इस तरह इंद्रबीर सिंह उते भी 10 लाख रुपए का केस जिहड़ा है दर्ज हो गया। तो इस तरह दिया एक अद्धी होर भी खबर लवांगे, चंगी लगी मैनू। हालांकि मैं ऐसी खबर कट लैंदा, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी ते आपदी दोने धीआं जिहड़ियां हेमा मालिनी दे दीआं धीआं ने समझो दूजे ब्याह दीआं, उन्हां नूं चिट्ठी लिखी कि प्यारी जी कि मैं हो गया 87 साल का, मैं तुहानूं मिल नहीं सकदा, पर मैं तुहानूं प्यार बहुत करदा। इहदी आपां गल करांगे। और बनेश ते साक्षी मालक बजरंग, दोनों चो बनेश ते बजरंग नूं विदेश जाण दी आग्या देती, दूजे पासे 6 पहलवानां नूं कहता कि तुहानूं ट्रायल दी लोड़ नहीं, मैनूं लगदा समझौता होया होगा, आही विरोध भी हो रहा है। कल मिल के भी आए ने बजरंग ते साक्षी मालक चंद्रशेखर आजाद नूं। तो इस तरह एक होंगे हारमोनीयस टेलीकॉम ब्लॉकिंग सिस्टम होंगे, वो अमृतसर जेल च लाता, तो जे उहदे नाल मोबाइल उत्थे नहीं चलणगे तो फिर सारिया जेलों च लग जाना। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी बद्रीनाथ हाईवे च पहाड़ डिग पिया, 10,000 तो वध लोग फसे हुए ने, तो हुण तो वैसे बच के जाना चाहीदा। एक होर खबर लैके फिर जे जिन्ना टाइम बचा आपां गल्लां करांगे, एक खबर हैगी कर्नाटक हाई कोर्ट, बहुत अहम खबर है। एक खबर है कहते भी रिश्वत जेडे लेंदे ने
वो फड़े जाते हैं, उन्होंने केस चलता है। कोर्ट एक कह रही है जेडे रिश्वत देंदे ने उन्होंने भी मुकदमा चलना चाहिए। इस पासे नूं ध्यान जिहड़ा है रिश्वत लेना ते देना ये दोने जुर्म ने। बाकी भाई जदों सरकार हुंदी है कुछ मर्जी पड़ाओ। मध्य प्रदेश ने फैसला कर लिया कि सावरकर साहब की जीवनी असी स्कूलों च सारिआं नूं पढ़ाउणा है। बाकी होर गल्लां अनुराग वर्मा की जिहड़ी हुण कल जदों उन्होंने करना है ज्वाइन उदों बाद जिहड़ी चेंज होनी है तैयारी शुरू होगी जिन्ना के टाइम मिले बाकी गल्लां भी करांगे। देखो जिहड़े संविधानिक पोस्ट हुंदी है गवर्नर की राजपाल की ते आम तौर पर राजपाल सोचा तो यह हो जो संविधान लिख रहे थे साढ़े संविधानिक निर्माता कि एक सियाना कोई पढ़िया लिखा इंटलैक्चुअल बंदा वो राष्ट्रपति भी हो जाए गवर्नर भी हो स्टेट के जिहड़ा बिल्कुल निरपक्ष होके गाइड कर सके सरकार। लेकिन उदू बाद सारा कुछ सियासी हो गया। बहुत बार जो गवर्नर लाए जाते हैं वह जी राज कर रही पार्टी होंगी है वह उन्होंने बंद लाई है जोड़े अपने एक्टिव पॉलिटिक्स ज उम्र हो गई होंगी है जो पॉलिटिक्स किनारा करना चाहते हैं। पहला वह कोई मंत्री रहे होंगे ने कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे ने उन्होंने लाइदी है आम तौर एडजस्ट करते हैं कह लिए हूँ यही गल जी है नजर आने लगी है कि वह फिर चले तो जाते हैं गवर्नर तो लग जाते हैं पर उन्होंने वह पॉलिटिक्स वाला कीड़ा नहीं जाता। एक तो यह पक्ष दूजा जी राज कर रही सरकार होंगी है खास तौर पर उत्थे जी केंद्र च राज कर रही होंगी है जिथे स्टेट के विरोधी धिर की सरकार होंगी है उत्थे फिर केंद्र की सरकार राजपाल राही दखल देती है उन्होंने आपके मुताबिक चलाना चाहती है उन्होंने तंग करना चाहती है। आप पंजाब च देखिए RDF का रोकना कारण कोई भी हो तुसी होर छड़ो झाकी तो लैके भी झाकी नहीं जाओ पंजाब की मोहाली च मैच नहीं देना जिन्हों मर्जी गल्लां तुसी इहदे जोड़ के देख सकते हो यह गल नजर फिर दखल भी हुण जिवें पंजाब के गवर्नर साहब दौरे कर रहे हैं कमेटियां डिफेंस कमेटियां बना रहे हैं ये उन्होंने काम नहीं है एक काम चुनी हुई सरकार का लोगों ने जिन्होंने चुन के भेजता गलत या ठीक है अगले पांच साल बदल दो जे तुहानूं लगता है ये उन्होंने हुण ये गल पंजाब की करदे करदे आपां बंगलौर चलीए चेन्नई चलीए चेन्नई तमिलनाडु दे गवर्नर साहब ने उत्थे RN रवि रवि साहब ने की किया वह कहते जेडे उतों के बिजली मंत्री ने सेथल बालाजी इन्हों मैं बर्खास्त किया इन्हों मैं मंत्रिमंडल चो कढ़िया। हुण प्रॉब्लम तो यही है कि गवर्नर साहब मंत्रिमंडल चो किवें कढ़ सकदे ने यह काम तो मुख्यमंत्री का यही गल तो स्टालिन साहब कह रहे हैं MK स्टालिन कि ये किवें करता। मैं हुण गल उन्होंने जो गल दसी हुण मेरे को चारा की है मैं तो कोर्ट च जा सकता मैं कोर्ट च जाऊंगा। हुण यह गल सारिया पार्टियां ने विरोध किया खब्बे पक्षी सब ने भी राजपाल ने गलत की सारी गल ठीक हो सकती बंदा करप्ट हो सकता है नौकरियां लिया मनी लॉन्डरिंग की भ्रिष्टाचार के बड़े मामले ने सारा कुछ हो सकता है बिल्कुल उन्होंने बरी नहीं करते सिंथल पर यह गल कि यह राजपाल कढ़े ये गल हजम नहीं हो रही। फिर तो यह होगा सरकार कौन चला रहा है फिर तो मान साहब ठीक कह रहे हैं इलैक्टड या सिलैक्टड बंदे चला रहे सिलैक्ट इन्होंने किया हुआ जोड़ा है केंद्र ने मोदी साहब ज अमित शाह ने वो चला रहे हैं सरकार ज चुने लोगों ने MK स्टालिन ने चुना फिर तो यह सवाल उठेंगे उठेंगे। खैर यह मसला सिर्फ कला तमिलनाडु का नहीं ये कित भी हो सकता जो उत्थे हजम होगी गल और जे कि कोर्ट ने तो फैसला देता
फिर तुसी लो फिर कटाओ चक्रू कहन की लोड़ नहीं होगी। जेडे गवर्नर पंजाब कहते हैं फिर कट के बार मारे करेंगे जो ऐसा कुछ हो गया। तो हूँ आप अगली खबर वालों बदिए देखो जी गल मैं कह रहा है कि राहुल गांधी जो भी यात्रा की है कॉन्फिडेंस बहुत आ गया और लोगों च भी नाम आ गया। वो जो लोग पप्पू कहते ना वो अंदरों अंदर ही हम खौफ खान लग गए कि राहुल गांधी वो दे रहा मसले बड़े खड़े करते लोगों के आम लोगों के मसले तरीके अलग ने कदे ट्रक च बैठ के चले जाओ ड्राइवर ना गल कर कल मकैनिक आप मोटरसाइकिल ठीक कर रहे से बैठे पेचकस ले उन्होंने लोगों ना गलबात तो ये फिर जो लग्या कि मणिपुर च इन्नी हिंसा है ये कोई रवाई नहीं करते फिर मणिपुर गए। मणिपुर के सचमुच ही मिसहैंडलिंग हुई है इधर हूँ रौला ता नहीं पै रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जे किसी होर की सरकार होंगी उन्होंने सरकार तोड़ देनी सी उत्थे राष्ट्रपति राज लागू हो जाना सी भी तो नहीं समझता वैसे उम्मीद चल रहा है फौज भी सारा कुछ हूँ राहुल गांधी साहब को कहते पहले तो रोकने की कोशिश की इन्होंने जाना सी राहत कैंप जो लगे ने चुराज चांदपुर के इन्होंने रोक लिया उतो 20-25 किलोमीटर पहला बिशनपुर कहते नहीं जा सकते पहला भी क्या हैलीकॉप्टर जाओ कहते नहीं मैं रोड से बाई रोड जाऊँ फिर जो तो रुकिया पेका बिशनपुर फिर सरकारी हैलीकॉप्टर मणिपुर तो मणिपुर सरकार का आया उस बैठ के गए लोगों गल की फिर उत्थ के बाकी गल करते रहे साड़ी सब तो पहली प्रायोरिटी साड़ी तरजीह जी होनी चाहिए है वो शांति होनी चाहिए बिल्कुल ठीक सही गल है पहला उसकी शांति की तो गल करो तुम जो पंजाब दल करते हो ना कि लॉ एंड ऑर्डर की तो उदो भी असं ये गल कही सी बाकी गल् भी सोच लो नुकसान किन्ना हो रहा नैट लॉस की रिपोर्ट है एक कि जदों भी इंटरनेट बंद होंगे उहदे नाल बेरोजगारी बढ़ती है तो उहदे नाल जिहड़ा है निवेश घटता है खास तौर पर विदेशी निवेश। हुण तुसीं इह देखो हुण तक की रिपोर्ट यह कहती है पंजाब मणिपुर होर जिथे भी नैट बंद होया उत्थे 11.8 करोड़ डॉलर का तो निवेश घटिया 21,000 नौकरियां गई 1.9 अरब डॉलर डॉलर की गल कर लॉस होया पैसे एडा लॉस है तो कला यही नहीं होंगे भी तुसी शांति नैट बंद नहीं कला फिर उस बेरोजगारी बहुत नुकसान बहुत कम रुक जाता सारे अजक सारा काम भी आ मैं थोड़े ना गल कर रहा आहो नैट बंद हो जाए अपनी गल नहीं होनी बिल्कुल उस तरह। फिर आ जाओ कनेडा दे विच खालिस्तानी गतिविधियां नूं लैके सरकार काफी कुछ करन दी कोशिश कर रही है NIA थां थां ते बड़ा कुछ चली जा रहा है दो तीन मौतां चाहे वह निजर दी ते चाहे वह जिहड़े इंग्लैंड च होई है उन्होंने कई तरीके नाल जोड़ के देखने की भी कोशिश की जा रही है। खैर जो कुछ भी होया ये गल आप कई बार कर चुके अज तो मैं जय शंकर प्रसाद साढ़े देश के विदेश मंत्री जिस तरीके नाल हालांकि ब्यूरोक्रैट हो रहे ने डिप्लोमैट इंडियन फॉरन सर्विस के ने उन्होंने जिस तरीके कनेडियन सरकार को चैलेंज किया है चेतावनी दी है वो अपने आप उनकी लैंग्वेज सुनने वाली है वो कहते जिहड़ियां कनेडा की सरकार है कनेडा के पोलीटिकल पार्टीज ने हालांकि उन्होंने सरकार को कहा है ट्रूडो को भी असी इन्हों डिस दी जिन्होंने वो इंदिरा गांधी का जो है झाकी सी ब्रैमपन तुम पता कि जो घलूकर दिवस से निकली सी कहते कोई कार्रवाई नहीं ये वोट बैंक करके कार्रवाई नहीं करते कहते
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੁਣੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡੇ ਕਿੱਡਾ ਕਰੋੜ ਰੌਣ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ, 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨੂਡਲਸ ਖਵਾਤੇ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਨੂਡਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਲੇ ਘਰ, ਓਵਰਈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੂਡਲ ਚ ਕੁਛ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਜੰਮ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। AIG ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ 13 ਜਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਔਰ ਹਾਲੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਦਾ ਸਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ DIG ਇੰਦਰਵੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ,
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 87 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚਰਚਾ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਈਸ਼ਾ ਆਹਨਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਟੈਲੀਕਾਲ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਾੜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੇਮਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੁਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।